वायरस का कहर सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बेजुबान जानवरों पर भी टूटा है, जो अपना दर्द भी बयान नहीं कर सकते। इंसानों पर आश्रित होकर पलने वाले यह जानवर समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ कि उनको मिलने वाली सारी सुविधाएं अचानक से गायब हो गई। कोरोना की दूसरी लहर में जो जानवर लावारिस हो गए हैं, ऐसे बेजुबान जानवरों को आश्रय देने का काम हाउस ऑफ स्ट्रे एनिमल्स संस्था ने किया है, जो उन्हें खाना खिला रहे हैं और दुर्घटनाओं का शिकार हुए जानवरों का इलाज भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि नोएडा के सेक्टर 54 में स्थित हाउस ऑफ स्ट्रे एनिमल्स उन जानवरों का आशियाना है जो लावारिस हैं, जिन्हें छोड़ दिया गया है। वहीं इनमें से कई जानवर ऐसे भी हैं जो अपने मालिकों को खो चुके हैं। जब हमारी संवाददाता शुभि महेश्वरी ने हाउस ऑफ स्ट्रे एनिमल्स के संचालक संजय महापात्रा से इस बारे में बातचीत की तो उनका क्या कहना है, सुनिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नोएडा 54 के हाउस ऑफ स्ट्रे एनिमल्स यानी HSA। ये एक स्ट्रीट एनिमल के लिए मुफ्त डिस्पेंसरी है। संजय मोहपात्रा ने इसे नोएडा में 2007 में स्थापित किया था और इस फाउंडेशन को लगभग 14 साल हो चुके हैं। आइए संजय मोहपात्रा जी से बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से इस फाउंडेशन की शुरुआत हुई। थैंक यू वेरी मच फॉर योर न्यू चैनल। और ये हम 2007 में स्टार्ट किया था, एक एनिमल से स्टार्ट किया था और अब तक हम लाखों हज़ार एनिमल्स को केयर कर चुके। और ये बात ना मैं जो बोल रहा हूँ वो नहीं है, ये बात पूरा दुनिया भी जानते हैं कि HSA ने एनिमल्स के लिए नोएडा में और दिल्ली NCR में क्या क्या काम किया है। और जब हमने एक डॉग से स्टार्ट किया था, एक एनिमल से स्टार्ट किया था, सिर्फ डॉग से स्टार्ट किया था, जिसमें हम लार्ज एनिमल्स काओज डोंकीज बफालोस सब कुछ हमने उसमें इंक्लूड कर दिया। और आज आप देख सकते होंगे जो डिस्पेंसरी में कितने एनिमल्स को हम केयर करते और कितने एनिमल्स को हमारे पास दिन में आते हैं। कम से कम 100 से ज़्यादा एनिमल्स हमारे यहाँ केयर होने हुए आते हैं और कम से कम हम डेली 1500 से ऊपर ज़्यादा एनिमल्स को रोड में खाना खिलाते और जो एनिमल्स के पास खाना नहीं पहुँच पाते इनके पास हम खाना पहुँचवाते हैं। 2007 से फाउंडेशन की शुरुआत हुई थी और आज 2021 चल रहा है, तो इन 14 साल में क्या उतार चढ़ाव देखने के लिए मिले आपको? मैम, सबसे पहले बात है कि हम जो ये वेलफेयर कर रहे हैं हम इनके लिए कर रहे हैं जो बेजुबान है। आपने बताया क्या उतार, बहुत सारी उतार चढ़ाव आई है एनिमल्स के लिए और लोग एनिमल्स के लिए बहुत सारी कम लोग हैं जो एनिमल्स को मदद करने के लिए आगे आते हैं। गिने चुने कहीं लोग हैं जो एनिमल्स को मदद करते हैं। और हम एनिमल्स को मदद करने आगे आए क्यों हैं, क्योंकि वो एक लिविंग बींग है हमारा सोसाइटी की। हम हमेशा बोलते हैं कि पालतू जानवर, पालतू एनिमल्स, पालतू पशु है। जो पालतू पशु मींस हम इंसान ने बनाया इनको, तो हम अगर उनको केयर नहीं करेंगे और केयर कौन करेगा। मैं बहुत सारी उतार चढ़ाव है, उसी उतार चढ़ाव के अंदर हमने दिल से और बिल्कुल सच्चाई से ये काम को आगे लेके चले और पूरा हिंदुस्तान में भी लेके आएंगे इस काम को। पूरा हिंदुस्तान में एनिमल वेलफेयर हम लेके आएंगे और हमारे साथ बहुत सारे नौजवान जोड़ने आ रहे हैं, ये मेरे लिए सबसे प्लस पॉइंट है। जो काम चालू है रुक रुक के काम चालू हो रहे, क्योंकि हमारे पास फाइनेंस की कमी होता है। क्योंकि जब एनिमल्स के लिए काम करते हैं, स्टाफ सैलरी है, आपकी मेडिसिन से बिल्स है, डेली इनका फूड का बिल है और रिपेयर मेंटेनेंस की बिल है, बहुत सारी पेट्रोल है, एम्बुलेंस की खर्चा है, ड्राइवर्स है, डॉक्टर्स है। और सबसे पहले बात है आपको एनिमल साथ काम करने के लिए जो एनिमल वर्कर होते हैं वो बहुत कम मिलते हैं। तो यहाँ जो डॉक्टर्स इनका इलाज करने के लिए आते हैं वो आपके फाउंडेशन से किस तरह जुड़े? नहीं, दे आर एम्प्लॉइज मैम। जो डॉक्टर्स हम रखते हैं उनको एम्प्लॉई की तरीके से रखते हैं और इनको हम मंथली सैलरी देते हैं। जिस तरीके से अभी आपने बात करी कि एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ पे सारे, वो पेड हैं सारे एम्प्लॉयज़, तो मैं पूछना चाहूँगी कि नोएडा अथॉरिटी की तरफ से आपको कुछ मदद मिली, फंडिंग किस तरीके से होती है यहाँ? देखिए मैम, मैं नोएडा अथॉरिटी को कोई ब्लेम देना नहीं चाहूँगा। नोएडा अथॉरिटी अपनी लेवल में जो एक शेल्टर चला रहे, जो वहाँ लाखों की खर्चा कर रहे और नोएडा अथॉरिटी की बस मुझे इतना ये है कि जो जगह में मैं खड़ा हूँ इस जगह के ऊपर उन्होंने मुझे एक छोटा सा अप्रूवल दे रखा है कि भाई यहाँ करने के लिए, ये मेरे लिए बहुत बड़े बात है। लेकिन मैं स्वयं मेरे संस्था इस काम को आगे बढ़ा के लेके जा रहे, जो भी फाइनेंशियल तकलीफ हो या मदद हो हम कैसे भी करके हम इसको पूरा करते हैं। लेकिन हाँ, अभी फाइनेंशियली मेरे पास नोएडा अथॉरिटी का कोई सपोर्ट नहीं है। किस तरीके से आप इस फाउंडेशन से यूथ को जोड़ना चाहते हैं? देखिए मैम, सबसे पहले बात है अभी
देखा जाए मेरे फाउंडेशन में कम से कम 3 से 4 हज़ार यूथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, एमबीए स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स हमारा देश की भविष्य है और इनके हाथ में आगे देश की भविष्य जुड़ा हुआ है। जिस तरीके से हमें संजय मोमपात्रा जी ने बताया कि वो यूथ को भी इस फाउंडेशन से जोड़ रहे हैं और 2022 तक उनकी अलग अलग ब्रांच शुरू हो जाएंगी। नोएडा में तो ऑलरेडी 2 है ही, ग्रेटर नोएडा, उड़ीसा, हर जगह उनकी ब्रांचेस शुरू हो जाएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट समीर के साथ मैं शुभी महेश्वरी, जनहित टाइम्स, नोएडा। संजय महापात्रा का कहना है कि वे 2007 से इस संस्था को चला रहे हैं। साथ ही उनका कहना है कि यह जानवर हम इंसानों पर आश्रित हैं और हमारा भी फर्ज बनता है कि इनको सहारा दें, क्योंकि अगर यह जानवर खत्म हो जाते हैं तो पर्यावरण का भी काफी नुकसान होगा। गौरतलब है कि सड़कों पर घूमने वाले बेजुबान बेसहारा जानवरों का बुरा हाल है। जानवर भोजन की तलाश में दर दर भटक रहे हैं और रोटी के लिए संघर्ष इन्हें खूंखार बना रहा है। स्पेशल रिपोर्ट, जनहित टाइम्स।